नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आज का हमारा जो प्रॉफिट बुक किया है हमने 10,878 लगभग 11,000 के आसपास प्रॉफिट बुक किया है। इसके पीछे क्या रीजन थे और मेरा क्या टेक्निकल व्यू था ट्रेड लेने के पीछे? मैंने आज मल्टीपल ट्रेड लिए थे, मैंने ऑप्शन में काम किया था। जब ऑप्शन में काम करते हो आप तो थोड़ा ब्रोकरेज कम लगता है, इसलिए मैं ऑप्शन में काम करना प्रेफर करता हूँ। तो लॉजिक क्या था ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं आपको एक बार स्क्रीन रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ये सारे ट्रेड मैंने 2-3 घंटे में किए थे, तो मैं इतना बड़ा वीडियो अपलोड नहीं कर सकता, इसलिए मैं सारा वीडियो मतलब जो भी प्रॉफिट है बुकिंग होने के बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। मैं फिर से एक बार आपको स्क्रीन रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, देख लीजिए। मैं ऑर्डर बुक भी दिखा दूंगा, सारी चीज़ें दिखा दूंगा, लेकिन जो टेक्निकल व्यू था और उसके पीछे का लॉजिक था ये समझना आपके लिए जरूरी है। लॉजिक सीख जाओगे तो आप भी ऐसे प्रॉफिट बुक कर सकोगे। देख सकते हो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, 9:18 से मैंने ट्रेड लेना शुरू किया था, 9:18 ठीक है। तो मेरा व्यू मार्केट में थोड़ा बेरिश था, तो 9:18 को मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, 29,400 का कॉल शॉर्ट किया था, स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद फिर से शॉर्ट किया स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद फिर से शॉर्ट किया स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद मैंने 29,400 का पुट भी शॉर्ट किया था, उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो बाद में मैंने देख लिया कि क्यों स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो कि मार्केट में वोलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा थी, मेरा व्यू ठीक था लेकिन वोलेटिलिटी कारण मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। लेकिन स्टॉप लॉस जब भी हिट होता था तो मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से हिट होता था। तो मैंने बाद में 29,400 का पुट बाय किया था, और बाय करने के पीछे रीजन क्या था और उसमें मुझे कैसे 12,000 का प्रॉफिट हुआ ये देख सकते हो। 29,400 का पुट बाय किया था मैंने, लगभग 423 के आसपास बाय किया था और 484 के आसपास निकाल दिया था। ये भी ऑर्डर बुक में आपको दिखा देता हूँ सारी चीजें। तो जैसे कि देख सकते हो कंप्लीटेड ऑर्डर में दिखा रहा हूँ मैं आपको, 29,400 का पुट मैंने बाय किया था। मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे पहले ये देख सकते हो यहाँ पे 29,400 का पुट मैंने 9:39-9:40 के आसपास लिया था, 9:40 के आसपास, और मैंने उसको निकाल दिया था। कहाँ पे निकाल दिया था दोस्तों, ये देख सकते हो 480 के प्राइस पे निकाल दिया था। टाइम था 9:43:16 मतलब 9:44, 4 मिनट का ट्रेड था और उसमें लगभग मेरे को 60 या 70 पॉइंट से ज्यादा गेन हुआ था। तो क्या चीजें थी मैं उस एक बार दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले तो आज एक मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, निफ्टी बहुत ऊपर ओपन हुआ था लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा 500-600 पॉइंट के बीच में ही ओपन हुआ था। अगर किसी को ओवरनाइट 300 और 400 पॉइंट से ज्यादा का प्रॉफिट हो रहा है, ओवरनाइट गेन हो रहा है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि लोग वहां पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो मेरे को पता था कि मार्केट नीचे आने वाला है, जो मैंने एनालिसिस किया था वो भी सारी चीजें मेरे सपोर्टिंग में थी, और मैंने वेट भी किया। मैंने कहाँ पे वेट किया ये भी चीजें दिखाता हूँ। ये देख सकते हो कर्सर को फॉलो कीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मार्केट ओपन हुआ कहाँ पे, 29,432, उसके बाद ऊपर गया 30-40 पॉइंट, ऊपर गया नीचे आ गया। तो यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना था, ऊपर गया नीचे आया, यहाँ पे अपना लो ब्रेक किया कहाँ पे नीचे देख सकते हो, टाइमिंग 9:18 को उसने अपना लो ब्रेक किया था, और जैसे ही लो ब्रेक किया तब मैंने 29,400 का कॉल शॉर्ट किया था। लेकिन क्या हुआ उसके बाद मार्केट थोड़ा वोलेटाइल हुआ, 2-3 मिनट के अंदर मेरा स्टॉप लॉस लेके चला गया। उसके बाद मैंने दोबारा एंट्री की, दोबारा मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद मैंने 29,400 का पुट शॉर्ट किया था, उसमें भी साइडवेज के कारण मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन जब भी मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो रिस्क मैं स्टॉप लॉस अपना मैनेज करके चलता हूँ। ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही थी और मैंने देखा कि मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले आया यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया और यहाँ पे पूरा साइडवेज चला गया। तो डब्ल्यू पैटर्न दिखने के कारण 1 मिनट टाइम फ्रेम में बहुत सारे ट्रेडर ने यहाँ पे लॉन्ग साइड पे अपना ट्रेड लिया होगा, यहाँ का अपना स्विंग लो का स्टॉप लॉस डाल के। लेकिन समझने की बात यह थी, अगर मार्केट को ऊपर जाना था तो ये यहाँ पे नीचे नहीं आता, ये थोड़ा सा रिट्रेस होकर यहीं से चला जाता, ये साइडवेज का पंगा ही नहीं करता। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, अगर आपको 10 किलोमीटर चलना है तो आप 1-2 किलोमीटर में टाइम वेस्ट नहीं करोगे, आप पूरा डिस्टेंस कवर करने के लिए थोड़ा सा फास्ट मूव करोगे। तो मार्केट के साथ यही सिनेरियो रहता है। तो मार्केट ने थोड़ा साइडवेज जोन जैसे दिखा लिया तो मेरे को समझ में आ गया कि मार्केट नीचे आने वाला है। सुबह मैंने वही कॉल शॉर्ट किया था, लेकिन हुआ क्या, मार्केट साइडवेज चला गया, वोलेटिलिटी के कारण मेरा स्टॉप लॉस लेके चला गया। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ क्या चीजें थी, मैं आपको टिक्स दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ सारी चीजें। ओके, तो जैसे कि देख सकते हो मैंने 29,400 का पुट बाय किया था, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, बाद में आप टैली भी कर सकते हो। तो सबसे पहले इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते दोस्तों, थोड़ा सा साइज भी बड़ा कर देते। तो 29,400 का पी, ठीक है, पी बाय करने का मतलब क्या होता है दोस्तों, पी बाय करने का मतलब होता है कि मार्केट नीचे चला जाना चाहिए। तो मैंने 29,400 का पी बाय किया, कब बाय किया, 9:40 को। मैं टाइमिंग भी आप लिखता हूँ तो आप बाद में क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो 9:40 AM को मैंने अपना जो भी था ट्रेड 29,400 पी बाय किया था, तो यहाँ पे लगभग बाय किया था, उसके बाद मार्केट नीचे ही चला गया। लेकिन मेरा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था, ट्रेलिंग SL था, तो वो यहाँ पे लगभग
480 के आसपास हिट हुआ, तो आप 29400 पी का चार्ट भी निकाल के देख सकते हो। तो मेरा जो ट्रेलिंग एसएल था, ये पी का जो ट्रेलिंग एसएल था वो हिट हो गया, तो उसके कारण मैंने अपना प्रॉफिट वहां पे बुक कर लिया और मार्केट नीचे ही चला गया। तो बाद में मैंने कुछ मल्टीपल ट्रेड लिए, उसमें फिर से प्रॉफिट लॉस होता गया। तो एक फाइनल जो मेरा ट्रेड था उसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देता हूँ। फाइनल जो मैंने ट्रेड लिया था लास्ट वाला, ये सारे ऑर्डर बुक है आप देख सकते हो। तो फाइनल मैंने 29,100 का कॉल 300 क्वांटिटी शॉर्ट की थी 1:11 के आसपास, तो वो भी दिखा देता हूँ 1:11 कहाँ पे आता है और उसके पीछे रीजन भी क्या था ये भी दिखा देता हूँ, आपको सारी चीजें समझा दूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा तभी आपको चीजें समझ में आ जाएगी। तो 1:11 यहाँ पे होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, मार्क कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं एरो लूंगा, ओके। तो 1:11 लगभग यही कैंडल में होता है, तो मैंने मोमेंट कैप्चर किया था दोस्तों, ठीक है। इसमें नहीं तो मैं एरो लेके आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 1:11 होते हैं यही कैंडल पे, जो छोटा ग्रीन कैंडल देख रहे हो यहाँ पे 1:11 होता है, तो यही पे मैंने 29,100 का कॉल शॉर्ट किया था। मैंने इन द मनी कॉल शॉर्ट किया था, उसके पीछे रीजन भी यही था कि टाइम डीके का जो आपको ज्यादा फायदा मिलता है, तो इन द मनी कॉल आप जब शॉर्ट करते हो पुट तो आपको थोड़ा सा टाइम डीके का प्रॉफिट ज्यादा मिलता है, और जैसे ही मैंने शॉर्ट किया मार्केट विद इन 2 मिनट्स नीचे आ गया धड़ाम। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, 1:11:30 को मैंने अपना शॉर्ट पोजीशन लिया था और उसको कवर विद इन 1 मिनट के अंदर किया था। चार्ट में भी देख सकते हो 1.5 मिनट ही नीचे चला गया, उसके बाद थोड़ा सा एक ऊपर चला गया, साइडवेज हुआ और ऊपर चला गया। तो रीजन क्या था, मैं यहाँ पे क्यों वेट कर रहा था नीचे चला जाएगा, क्योंकि देख सकते हो सुबह से मार्केट यहाँ से देखिए यहाँ से नीचे चला गया, थोड़ा सा ऊपर नीचे साइडवेज, और ये जो जोन होता है दोस्तों ये थोड़ा सा बड़ा मतलब डेंजर जोन होता है, क्योंकि इसमें आपके स्टॉप लॉसेस हिट होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। लेकिन मार्केट का सुबह से ट्रेंड क्या था, डाउन ट्रेंड था, तो ये बॉक्स के अंदर आ गया मार्केट, थोड़ा ऊपर नीचे चला गया और यहाँ पे देख सकते हो 12:30 के आसपास 12:30 के आसपास उसने अपना ब्रेकआउट दिया था। कौन से कैंडल पे दिया था ये भी दिखा देता हूं मैं आपको, तो थोड़ा सा मैं एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे उसने अपना ब्रेकआउट दिया था 12:30 के आसपास, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, लेकिन ब्रेकआउट सस्टेन क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो सेलर थे प्राइस एक्शन बना के ऊपर से मार्केट नीचे गिरा था, यहाँ से कहाँ से ये देखिए यहाँ से प्राइस एक्शन बना के मार्केट नीचे गिरा। ये पॉइंट पे अगर ज्यादा क्वांटिटी सेल हुई है, मतलब यहाँ पे अगर सप्लाई जोन है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि जब भी मार्केट सेकेंड टाइम भी वहां पे टच करेगा तो नीचे आने की चांसेस ज्यादा है। लेकिन सुबह मेरे अगर जब कॉल साइड में स्टॉप लॉस हिट हुए थे तब मैंने यहाँ पे ख्याल रखा कि जब मार्केट फर्स्ट टाइम थोड़ा जाने की कोशिश की फिर नीचे आ गया, फिर एक बड़ी 3 कैंडल बुलिश बनी और यहाँ पे सस्टेन होने की कोशिश कर, लेकिन यहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं हुआ, नीचे आ गया थोड़ा सा प्राइस एक्शन बना के, और मैंने वेट किया। जैसे ही एक छोटा सा मूव मिला तो मुझे फिर से हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न मिला, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये लेफ्ट हैंड, ये हेड और ये राइट हैंड, जैसे ही मुझे मिला तो मैंने यहाँ पे 29,100 का कॉल शॉर्ट किया और विद इन 2 मिनट्स के अंदर मैंने प्रॉफिट बुक किया। तो कितने मिनट के अंदर कौन प्रॉफिट बुक करता है ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जो एनालिसिस कर रहे हो उसी हिसाब से अगर मार्केट जा रहा है तो आप अपना जो भी ट्रेड है उसमें प्रॉफिट ज्यादा कमा सकते हो। तो चीजें यही थी दोस्तों, यही मैं आपको बताना चाहता था। जो भी कुछ हुआ ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, अभी भी मार्केट चालू है, मैं आपको 15 मिनट में दिखा देता हूँ, तो आप 15 मिनट में थोड़ा समझ सकोगे आसानी से। तो ये जो बुलरन था, ये छोटा सा जो बुलरन था, उसके बाद क्या हुआ यहाँ से एक साइड मतलब सेलिंग प्रेशर आ गया, ये एक्सपायरी के दिन आपको पता है एक बड़ा मूव, उसके बाद ये डब्ल्यू पैटर्न ऊपर, और आज भी चांसेस थे क्योंकि यहाँ से फर्स्ट टाइम सेलिंग आया तो सेकंड टाइम आने के चांसेस ज्यादा थे। उसके बाद ये अभी प्राइस ऊपर गया, साइडवेज चला जाएगा, अभी मार्केट वोलेटाइल होने के चांसेस ज्यादा है। तो लॉजिक अगर आपको समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है वहां पे जाके आप अपना हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे हम डेली बेसिस पे फ्री कॉल प्रोवाइड करते हैं, और कोई अगर अच्छा ट्रेड मिला हमें लॉन्ग साइड शॉर्ट साइड तो वो भी हम वहां पे बताने की कोशिश करते हैं। तो ये था आज का ट्रेड के पीछे पूरा लॉजिक, और फिर से एक बार मैं अपना स्क्रीन रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, इसे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, और आने वाले टाइम में मैं अब आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो अपलोड करता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपडेट के लिए आप हमारे इंस्टा हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।